हेलो द ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू अंडे का शोरबा बहुत इजी वे में तैयार करने का तरीका। इसके लिए चाहिए मुझे सबसे पहले चंद जबे लहसुन के, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, दो अदद टमाटर, एक मीडियम साइज प्याज। थोड़ा सा पानी डाल के आप किसी भी मिक्सी में इसकी पेस्ट तैयार कर लें। बगैर ऑयल के आप इसको चूल्हे पर रख के पहले सबसे इसका पानी ड्राई करें। जैसे ही इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। अब आप इसको अच्छे से भून लें मसाले को। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो अब आपने इस टाइम पे आके इसके अंदर आलू शामिल कर दें, कटे हुए आलू शामिल करें और आलूओं को अच्छे से आप फ्राई कर लें। साथ साथ आप आलू फ्राई करते जाएं और साथ साथ आप इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें शामिल कर दें। इसके अंदर शामिल किया मैंने ड्राई मसाला। ड्राई मसाले में है मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर। वो आप इसको फ्राई करें और इस टाइम पे आप इसके अंदर एक चिकन क्यूब शामिल कर दें। अब आप इसको भूनें और इसके अंदर एक बोतल पानी की शामिल कर दें, क्योंकि हमें ये शोरबा चाहिए। इतना पानी डालें कि इस आलू भी गल जाएँ और हमें शोरबा भी तैयार मिल जाए। अब आप इसको पकने दें, ढक्कन लगाएं और इसको पकने दें। 15-20 मिनट में ये आपके आलू भी गल जाएंगे और आपका शोरबा भी तैयार हो जाएगा। अब आप इस टाइम पे इसमें धनिया शामिल करें और चूल्हा बिल्कुल कम कर दें। अब इसके अंदर बॉईल किए हुए एग शामिल कर दें और ये आपका शोरबे वाला आलू अंडे का सालन तैयार है। बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।